हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर 515। कैसे आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ जो कि विंटर के पहले की कुछ गार्डनिंग की अपडेट के बारे में। विंटर के आते ही कुछ प्लांट की ग्रोथ जो है वो वहीं पर रुक जाती है और कुछ जो प्लांट है वो थोड़े बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाते हैं। और ये विंटर का जो सीज़न है इसमें प्लांट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीज़न है, क्योंकि पानी आप ज़्यादा नहीं दे सकते, कटिंग आप कुछ प्लांट की नहीं कर सकते, पर ब्लूमिंग जो है कुछ प्लांट्स की बहुत ही ज़्यादा होती है और कुछ प्लांट्स की बहुत ही कम होती है, और कुछ प्लांट तो जैसे उनकी ग्रोथ ही रुक जाती है। ग्रोथ रुक जाने का मतलब है वो डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं। पर हमारे यहाँ ना हमें विंटर, रेनी समर ये कुछ भी पता ही नहीं चलता है। सिर्फ समर में समर सीज़न का एग्जैक्ट पता चलता है क्योंकि कड़ी धूप होती है अप्रैल मई में। पर अब तो यहाँ पर रेनी सीज़न भी चल रहा है। इस साल तो आप जानते हैं पूरा जो साल था वो मॉनसून का ही था। इसलिए मैंने ना कुछ पौधे अंदर रखे हुए थे जो कि ख़राब ना हो। पर आज ना मैं कुछ गार्डनिंग की क्लीनिंग वगैरह कर रही थी क्योंकि बहुत सारे ग्रास भी थे और कुछ प्लांट्स ना मैंने बरसात से बचाने के लिए अंदर रखे थे, वो भी मैं बाहर लेके आ रही हूँ। और कुछ गार्डन सा मुझे ना बहुत ही डल सा लग रहा था क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के पहले, शायद 3 मंथ ज़्यादा ही हो गए, बारिश आने के बाद एक बार मैंने फर्टिलाइज़र दिया हुआ था। तो मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं दिया था तीन चार महीने से। आज मैंने सोच लिया कि मैं फर्टिलाइज़र दूँ। और जब मैं पहले क्लीन कर रही थी तब तो मुझे वीडियो निकालना ही मैं भूल गई। अब कुछ कुछ अरेंज करने के बाद ना अब जाके मैं वीडियो निकाल रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा एरिया जो है आपने मेरे बहुत सारे वीडियो में देख ही लिया होगा कि कितना भरा भरा था, बहुत कंजेस्टेड सा लग रहा था क्योंकि चलने के लिए भी वे नहीं था सारे प्लांट्स थे। पर अब मैंने कुछ प्लांट जो है ना वो हम सनलाइट में रख सकते हैं विंटर में, इसीलिए जो सनलाइट में रखने हैं वो मैंने जो हमारा कंपाउंड है उसके ऊपर मैंने रखा। और जो मेरे स्टैंड्स हैं ना उन स्टैंड पर मैंने जो अंदर के एरिया में, मतलब कार पाउच में जो भी था, इम्पेशंस के कुछ प्लांट्स ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब भी हो जाते हैं, वो सारे अभी मैंने बाहर लेके आए क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स है वो। अगर उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पेशलिटी यही होती है, अगर उन्हें धूप नहीं मिलती तो उसमें फ्लावर नहीं खिलते हैं। मैंने कुछ कटिंग वगैरह करके फिर से रिपोर्ट वगैरह किया हुआ है क्योंकि दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में ना बहुत 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 सुंदर सी इम्पेशंस की ब्लूमिंग होती है। और कोई प्लांट हो या ना हो, इम्पेशंस के अगर फूल खिले हो तो भी बहुत सुंदर से लग जाता है। वो भी मैंने अरेंज कर दिया। और ये जो क्रिसमस ट्री के जो प्लांट है मेरे दोनों तरफ जो कि अलग एक एंट्रेंस है, वो पूरा गार्डन का वीडियो ना विंटर के कुछ प्लांट्स मैं अभी ला रही हूँ और अरेंज भी कर रही हूँ। पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गार्डन का टूर। अब जो कुछ अपडेट्स जो कि ये सारे ना वंडरिंग जू तो आप पता ही होगा आपको, एक कटिंग अगर आप नीचे गिरी या आप लगाएंगे तो बहुत सारे वो भी करके बहुत सारे फैल जाएंगे। तो यहाँ पर यही कंडीशन है मेरा भी, टोरेनियम के प्लांट हो या वंडरिंग जू के बहुत सारे फैले हुए थे, उन सभी को अभी मैं रीसेट कर रही हूँ। और कुछ प्लांट्स में ना फ्लावरिंग भी, क्रीपर्स में फ्लावरिंग ब्लूमिंग भी हो रही है। पानी ना इस समय आपको देना पड़ता है, पर जो शेडी एरिया में उन्हें आप अगर 2 या 3 दिन में पानी देंगे तो भी वो चलेंगे। ये सारे मेरे सिंगोनियम के और कुछ मेरे बेगोनिया की कटिंग मैंने इस बार ट्राई की थी और बहुत अच्छे से वो चल रहे हैं। और मैंने नीचे अभी आप लोगों ने देखा होगा या मैं शायद मैं दिखा भी रही हूँ, वो सारे मैंने अभी ग्रो किए हुए हैं। मुझे बेगोनिया बहुत ही पसंद है, वैरायटी की बेगोनिया। पर एक गलती हो जाती है बेगोनिया की ग्रो करने में, जब भी ना हम पानी पाइप में देते हैं तो बेगोनिया ज़्यादा पानी की वजह से भी गल जाता है, आपको थोड़ा थोड़ा पानी उसे देना होगा। अभी मैंने
एक्चुअली मैंने अभी एक क्लिपिंग आपको दिखाई, वो है मॉस रोज की, पोचलका की, क्योंकि आगे जो सीज़न आने वाला है वो उन्हीं प्लांट का है. सो उनका भी मैंने कटिंग लगा के, कटिंग करके मैंने कुछ कुछ प्लांट्स में मैंने पॉट्स में मैंने लगाए हैं. उनका भी मैं अभी कलेक्शन इकट्ठा कर रही हूँ, जो कि पूरे टाइप के मेरे पास हैं, पर अभी मैं उसे फिर से ग्रो करें, क्योंकि बारिश के मौसम में ना कुछ वो गल से गए थे. सो अभी जो सीज़न आ रहा है वह उस सीज़न में आप मैरीगोल्ड ग्रो कर सकते हैं, कॉस्मोस आप ग्रो कर सकते हैं, पोचलका, मॉस रोज आप ग्रो कर सकते हैं, और बहुत कोलियस ना, वो भी एक बहुत सुंदर सा प्लांट है. साल में अगर 3 बार इसकी आप कटिंग करके ना लगाएंगे तो हर सीज़न में वो बहुत ही सुंदर सा लगेगा. अभी ये अडेनियम का भी टाइम है. एक्चुअली अभी अडेनियम थोड़े डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, पर मेरे यहाँ ना अभी अभी उनकी फ्लावरिंग शुरू हो गई है. और ये जो क्रोटन्स के चारे जो धूप में थे वो मैंने लगा के ना निकाल के कुछ इस तरफ लगाया है. ये सारा मुझे अभी अरेंज करना है. बहुत ही मेसी लग रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस बारिश आने के वजह से ना ब्लॉक्स में बहुत सारी घास उगती थी. इसीलिए ये जो मेरे एंथूरियम के प्लांट है, एंथूरियम के प्लांट में ना मैंने घर के एंट्रेंस में रखे हुए हैं, ताकि घर के अंदर आते वक्त कुछ सुंदर सा वो दिखे, सुंदर सी वो दिखे. क्योंकि अगर एक एंथूरियम खिलता है तो ऑलमोस्ट 2 to 3 months या 1.5 to 2 months तक उनकी फ्लावरिंग वैसी ही रहती है. सो इसलिए मैंने क्या किया कि जो भी पॉट में ना फूल खिलते हैं एंथूरियम के, वो मैं निकाल के कुछ इस तरफ में रख रही थी, ताकि खिले हुए पॉट्स को ही मैं एंट्रेंस में रखती हूँ. अगर वो नहीं खिलते, फूल ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं जाके दूसरे पॉट्स लेके आती हूँ, क्योंकि बहुत सारी कलेक्शन है मेरे पास. ये जो हल्दी टर्मरिक की मैंने एक छोटा सा एक मैंने लगाया था, उसमें बहुत सारे पौधे आ गए थे. और फाइनली आज रिपोर्टिंग करते वक्त ना मुझे ये पॉट मिली, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे कितनी हल्दी मिली है. और मैंने क्लीन करने के लिए भी अभी इसे रखा हुआ है. और ये जो वीडियो है, शायद आपने नहीं देखा होगा, मेरा बाहर का जो गार्डन है वो अभी मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि सोचा कि कुछ नॉर्मल होने के बाद ना सब कुछ रुक सा गया था गार्डनिंग का काम. सो अभी सैटरडे संडे को ना जब भी मुझे वक्त मिलता तो मैं कुछ काम करती हूँ. तो मैंने बहुत सारे कोलियस की कटिंग ना इस तरह पॉट्स में लगाई हैं, और शेडी एरिया है, सुबह की थोड़ी धूप इसमें पड़ती है तो मैंने वहाँ पर रखी हुई है. तो ये जो सारा मेरा गार्डन बाहर का के रोड से आते ही ये सब जो मिट्टी में हम लगा सकते हैं वहीं का ही है. और ये सारे ना अभी मैं पानी दे रही हूँ मेरे सारे प्लांट को, जो कि बाहर मैंने मिट्टी में लगाए थे, या कुछ बड़े बड़े टब्स वगैरह में मैंने जो भी लगाए थे ना, उन सभी प्लांट को मैं अभी पानी दे रही हूँ. आज सुबह का कुछ वक्त था, जो संडे है आज, सो मैंने ना 7 बजे ही मैं आ गई पानी देने के लिए प्लांट्स को. बाद में तो बहुत सारे काम भी होते हैं, संडे भी है, तो सोचा कि पहले सुबह उठ के ना आज पानी दे दूँ. और सभी प्लांट्स को जो मेरे बाहर एंट्रेंस की तरफ गेट से बाहर है, उन सभी प्लांट्स को मैं पानी दे रही थी. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपराजिता की क्रीपर, 1 या 2 दिन अगर आप पानी देने के लिए आपको आप भूल गए ना, तो पूरी की पूरी अपराजिता की जो क्रीपर है वो कल ड्राई हो जाती है. और यहाँ पर मैं मलबेरी को भी दे रही थी, और मिस भी मैं करती हूँ, पानी नहीं देती हूँ, सारे प्लांट्स को ना अच्छे से भिगो देती हूँ, क्योंकि जब बारिश आती है तब हमें वो सब करना नहीं पड़ता है. जब बारिश नहीं आती है तब ना जो मिट्टी की खुशबू भी ना बहुत ही डिफरेंट सी होती है, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है. सो आज ना 2 दिन के बाद मैं पानी दे रही थी. सैटरडे को मैं कभी कभार ही पानी देती हूँ, क्योंकि सैटरडे को तो मैं ज़्यादातर फ्री होती हूँ. प्लांट को भी ना जितना चाहिए उतना ही फीडर की ज़रूरत होती है. जैसे इंसान को ना ज़्यादा खाते हैं तो उनका भी पेट ख़राब हो जाता है. सो प्लांट्स को भी ना जितना चाहिए उतना ही पानी और फीडिंग की भी ज़रूरत है, वरना वो प्लांट्स भी ख़राब हो जाते हैं. बाहर मेरे पास मेलोस्टोमा है,
हाइबिस्कस की है, अपराजिता है, पैसिफ्लोरा की, ब्लीडिंग हार्ट की, हाइबिस्कस की, और कॉस्मोस भी है। बहुत सारे प्लांट्स मेरे पास है, उन सारे प्लांट्स को ना मैंने मिट्टी में ही लगाया था, क्योंकि जब उसमें फूल खिलते तो बहुत ही सुंदर से लगते हैं। और पॉट्स में भी लगा सकते हैं, पर अच्छा होगा अगर आप मिट्टी में लगाएंगे तो वो बहुत फ्री से ग्रो हो जाते हैं। अगर आप चाहें तभी उस आपको ना उसकी कटिंग आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। ये एक स्पेशल क्रिसमस ट्री है जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, पर मैंने ना इसे यहीं पर रखा था शेड एरिया में। आज की जो स्पेशल अपडेट है ये वो है कि क्रिसमस तो आने वाला है और न्यू ईयर भी आने वाली है और हमारे यहाँ की फीस्ट भी आने वाली है, तो मैंने सोचा कि मेरे पूरा जो एक बार जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो मैं करूँ। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि फर्टिलाइज़र भी मैंने दिया हुआ है। आप भी ना विंटर आने के पहले जो कोस्टल कर्नाटका या कोस्टल रीजन में रहते हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है उतना विंटर सीज़न हमें उतना नहीं मिलता है, कभी कभार या कंटिन्यूस एक हफ्ता भर पूरा विंटर का सीज़न दिखता है, वरना तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर खड़ी धूप ही रहती है। अगर कुछ वेदर का कुछ अप एंड डाउन या कुछ साइक्लोन का इफ़ेक्ट है तभी यहाँ पर बारिश भी हो जाती है। तो कुछ इसी तरह हमारे यहाँ भी चलता है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि हम कोस्टल कर्नाटका के हैं, सो कुछ इसी तरह का वेदर है यहाँ पर। सो पूरा विंटर यहाँ पर नहीं है, और विंटर के ना बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं। बहुत कभी कभार जल्दी आते हैं, या यहाँ पर विंटर के ना प्लांट्स जनवरी फरवरी में कभी कभार आते हैं। एक सीज़न जो था मैं नर्सरी गई तो पूरे प्लांट्स बिक चुके थे वहाँ पर, पिटूनिया के तो नहीं थे, क्योंकि हर साल ना मैं पिटूनिया के पीछे ही भागती हूँ, पर इस साल मुझे सिर्फ दो ही प्लांट मिले, वाइट और ब्लू के। बाकी पूरे जो थे वो थोड़े कुछ ख़राब हो गए थे, और कुछ प्लांट के ना ऑलरेडी सेल भी हो चुकी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्परागस और ब्लीडिंग हार्ट और मेलोस्टोमा भी है, रोज़ भी है, और सनफ्लावर जो हम उसे सनफ्लावर कहते हैं वो भी प्लांट्स, ये सारे मेरे नीचे ना जो कि मैंने मिट्टी में लगाए हुए हैं बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना खड़ी धूप भी पड़ती है पर फिर भी वो अच्छे से ग्रो होते हैं। पर पानी का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, मिट्टी में लगाने के बाद आपको पानी भी उतना ही देना पड़ता है। और यहाँ पर ना मैंने कुछ इस तरह भी मैं पानी अभी दे रही हूँ। बेगोनिया, स्टार बेगोनिया जो है वो मेरी मैंने नीचे लगाई थी, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। और मनी प्लांट तो मेरे जैसे कि बहुत ही बुशी हो गई। सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी मनी प्लांट कैसे उतनी बुशी होती है। एक्चुअली मनी प्लांट को ना पानी देते वक्त सिर्फ आपको रूट को ही नहीं, हर जगह पर जहाँ पर वो फैली हुई है ना, वो हर जगह पर अगर आप पानी देंगे तभी वो अच्छे से ग्रो हो जाती है, क्योंकि रूट तो हर जगह पर होते हैं, हर रूट को अगर पानी मिले तभी वो अच्छे से ग्रो भी हो जाती है। सो विंटर का तो सीज़न हमारे यहाँ का अभी नहीं है, पर गार्डनिंग अपडेट बहुत ज़रूरी था, क्लीनिंग प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी था। बस कुछ इसी तरह ना आप भी अगर आपको वक्त मिले तो न्यू ईयर के पहले तो कुछ आप भी ना आपका गार्डनिंग का कुछ काम जो है वो अभी कीजिए, क्योंकि नए साल अगर पूरा वक्त अगर आप गार्डनिंग के कामों में लगेंगे तब जल्दी से समर भी आ जाएगा। सो इसीलिए ये जो वक्त है, अगर आपको कुछ भी खाद वगैरह देनी है तो अब आप दीजिए। सो बाकी का जो वक्त है तो आप उस आपके गार्डन को मेंटेन कर सकते हैं, और समर सीज़न में आपको उतनी मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। और हाइबिस्कस वगैरह अभी थोड़े डॉर्मेंसी में चले गए हैं, फिर से वो खिलने लगेंगे, तो उनका भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर जल्दी से शेयर करूँगी। सो होप आपको मेरा वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी ईयर एंडिंग, बाय।